यहाँ की जनता बेवकूफ है, जो बात है यहाँ की जनता बेवकूफ है, जो ऐसा सोचती है, ऐसे लोगों को जिताती है जो भाई अपना शब्द नहीं ले पा रहे, ना फुल ना फॉर्म फिल कर पा रहे। हम लोग भाई नहीं गाली गलौज किए, ना हम लोग अय्याशी करने गए। 21 साल की लड़की के सामने हम बैठेंगे, ये मेरे लिए अपमान है। इस बार जीत के हैं ज्यादातर युवा ही है, हम लोग उनसे ज्यादा जानते हैं और ज्यादा काबिलियत रखते। लोगों नीचे करो, लोगों नहीं कर सकते। जो लोग गाली देते रहते हैं वो लोग जीतते हैं। ऐसे इतनी महिलाएं हैं जो लोग दिन भर गाली देते हैं, आज वो लोग जीते हुए हैं। और ऐसी ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे और जो अपना शपथ नहीं ले पा रहे। क्या लगता है आपको कि प्रशासनिक तौर पे भी कुछ इधर नहीं, नहीं, कोई कोई कुछ नहीं है। यहाँ की जनता बेवकूफ है, जो बात है यहाँ की जनता बेवकूफ है, जो ऐसा सोचती है, जिनको लगता है। हाँ तो वही पार्षद लोग को लगता है कि जो भी है वहाँ पे पैसा ले लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, उनसे जीत जाएंगे। और ऐसे लोगों को जिताती है जो भाई अपना शपथ नहीं ले पा रहे, ना फुल ना फॉर्म फिल कर पा रहे हैं। तो यानी कि पढ़े लिखे का होना भी अनिवार्य है बाबू। यहाँ पे तो ऐसे खुलेआम खरीद बिक्री कितने खरीद बिक्री का क्या स्थिति है, कितने का क्या है, आप सबको पता है। मीडिया वाले यहाँ बेवकूफ, आपको जानकारी है तो बताइए ना। हम लोग साधारण, हम लोग भाई नहीं गाली गलौज किए, ना हम लोग अय्याशी करने गए। इन लोगों को वो लोग चाहिए जो गाली दे, जो सबके सामने मारपीट करे वो लोग। और इन लोगों को यही डिजर्व करते हैं, यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डिजर्व करते हैं। और ये उपाध्यक्ष जो जीते हैं वो कहते हैं कि 21 साल की लड़की के सामने हम बैठेंगे, ये मेरे लिए अपमान है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब तेज प्रताप जी आए थे तब भी वो छोटे थे, तो क्या वो नीतीश जी के सामने नहीं बैठे थे? आज हमको हराने के लिए सारे लोग लग गए। मैडम आपको कितना मत आई? मत 15 आया है। 15 आया, क्या लग रहा है आपको जिला परिषद चुनाव में? महिला सशक्तिकरण का भी अपमान किया जा रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। इसमें वो डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं कि हम 21 साल की लड़की के सामने बैठेंगे, वो बच्ची के सामने। और उनको ये नहीं पता ये 21 साल की लड़की उनसे ज्यादा टैलेंटेड है। लोगों नीचे करो, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोलेगा? छोटू सिंह जी बोल रहे थे, नीरज जी ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जो हमेशा फीमेल को नीचे दिखाते हैं और उनका एज डिफरेंस करते हैं। जबकि हम लोग जो युवा इस बार जीत के हैं ज्यादातर युवा ही है, हम लोग उनसे ज्यादा जानते हैं और ज्यादा काबिलियत रखते हैं इस चीज को। और रानी भारती के आने से अगर पूर्णिया में डर पैदा होता है कि नहीं ये लड़की आएगी तो मेरा ये नहीं चलेगा, मेरा वो नहीं चलेगा, इसके आने से हम लोग अपना क्या दबदबा नहीं चला पाएंगे। तो अगर हमसे कोई डरते हैं, हम 21 साल के, अगर हमसे कोई डरता है तो मेरे लिए इससे गर्व की बात है और क्या हो सकती है। तो महिला का अपमान किया गया है? ऑब्वियसली किया गया है, वो तो सबके सामने ऐसे खुले आम जो बोलते हैं, तो इसमें क्या है जो उसमें दिख रहा है? हमको तो उनमें एक काबिलियत ना दिखा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूंगा और किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना से रहित अपने कर्तव्य का, जिस पर आरोप होने वाला हूँ, श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। अब करूंगी बोलूँ मैं कर्तव्य पालन में अपेक्षा अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मुझे मालूम होगी प्रकट नहीं करूंगा। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।